नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आजकल बाजार में काफी अलग अलग तरह के हार्पिक आ रहे हैं। व्हाइट आता है, ब्लैक आता है, येलो लेमन वाला आता है। कई तरह के हार्पिक लॉन्च किए हैं कंपनी ने, और जो सारे ही टॉयलेट क्लीनर के रूप में कंपनी इसको बेचती है। तो काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर इसमें क्या है, ये कैसे बना है। तो आज जो हम बात करेंगे व्हाइट हार्पिक की, और ब्लैक वाला जो हार्पिक होता है वो कैसे बना है, उसमें कंपनी ने क्या यूज किया है, और जो नॉर्मल हार्पिक है ब्लू वाला उससे उसमें क्या फर्क है। तो आज की वीडियो में इसी की बात करेंगे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोज को अगर आपको अच्छी लगती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि जो व्हाइट वाला हार्पिक है जो कंपनी ने लॉन्च किया है, कंपनी उसको बोलती है व्हाइट एंड शाइन डिसइनफेक्टेंट ब्लीच टॉयलेट क्लीनर। तो जैसा कि नाम से ही पता लग गया कि इसमें कुछ ना कुछ ब्लीच तो है। ये प्योरली HCL बेस्ड टॉयलेट क्लीनर नहीं है। जैसे जब अभी हमने अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग की थी टॉयलेट क्लीनर की, तो उसमें भी लोगों ने काफी इस तरह के सवाल पूछे थे। तो उसमें भी यही आया कि जो ये अलग अलग हैं ये कैसे हैं। तो जो व्हाइट वाला टॉयलेट क्लीनर है ये ब्लीच बेस्ड है। ब्लीच हमारे पास कौन सा होता है इस क्लीनिंग इंडस्ट्री में, वो होता है हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड लिक्विड, जो सॉल्यूशन आता है। तो ये उसी पे बेस्ड है। इसके अंदर क्या कंपनी ने यूज किया है, जैसे अगर हम इसकी इंग्रेडिएंट्स देखें जो कंपनी ने भी लिखे हैं बॉटल के ऊपर, या आप जो ऑनलाइन सर्च करेंगे वहां पर भी मिल जाएंगे जो मैंने देखा, तो इसके अंदर कंपनी ने कहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड 0.6%, और उसके आगे लिखा है वेट बाय वॉल्यूम W/V, मतलब वेट बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका 100 kg का अगर आपका बैच है, तो 100 लीटर का अगर बैच है, क्योंकि ये वॉल्यूम कह रहे हैं तो वहां पे लिखे 100 लीटर का अगर बैच है, तो उसके अंदर 0.6 600 ग्राम नेट सोडियम हाइपोक्लोराइट उसके अंदर है। और उसके बाद में जो इसमें और चीजें लिखी हैं, इसमें लिखी है SLES, वो हम सब जानते ही हैं कि SLES क्या होता है, सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट। फिर उसके आगे है LAO, लोरामाइन ऑक्साइड, कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इन्होंने लिखा है। फिर इसके अंदर एक परफ्यूम है और वाटर है। परफ्यूम जो है इसके लिए अलग परफ्यूम होंगी जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस में स्टेबल होती हैं, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यही आती है कि ज्यादातर जो इस परफ्यूम्स हैं, इस तरह की जो स्पेशल परफ्यूम्स हैं जो एसिडिक पीएच में काम करती हैं या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस में काम करती हैं, काफी कम मिल पाती हैं। लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो वही परफ्यूम इसमें चलेगी, जो नॉर्मल परफ्यूम आप लगाओगे तो वो इसमें काम नहीं करेगी। अब इसमें जो आपने देखा जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स की जानकारी आपको कुछ पहले से भी है कि ये सेम इंग्रेडिएंट कहाँ यूज होते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो जो रेड हार्पिक आता है जिसको बाथरूम क्लीनर बोलते हैं, उसमें भी ये सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन उसके अंदर 0.5% है, इसके अंदर 0.6% है, उतना फर्क है। बाकी इसके अंदर भी SLES है, उसमें भी SLES है, इसमें भी LAO है, उसमें भी LAO है। कास्टिक सोडा इसमें लगाती हैं स्टेबल करने के लिए। रेशियोज क्या होंगी, रेशियोज भी वही हैं जो मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं, या जो हमने अपनी फॉर्मुलेशन बुक में दिया हुआ है वही सब रेशियोज हैं। सिर्फ इसका फर्क जो है वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का है। तब आप देखिए कि कंपनी किस तरह से मार्केटिंग करती है। जनरली इसमें बस थोड़ा सा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है तो ये टॉयलेट क्लीनर हो गया, कि टॉयलेट बॉल क्लीनर। अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसमें हाइपो है तो ये डिसइंफेक्टेंट का भी काम करेगा, ब्लीच करेगा, तो आपका जो शीट है वो बढ़िया अच्छी से चमकदार शाइनिंग होके आती है। लेकिन हर दोनों चीजों का एक अलग अलग मार्केट है कि कौन सा मार्केट में व्हाइट चल रहा है, कौन से में ब्लू चल रहा है। कुछ लोगों को ब्लू ही पसंद आता है क्योंकि वो HCL बेस्ड है, वो स्ट्रांग है। अब अगली बात करते हैं इसमें हम ब्लैक हार्पिक की। कुछ जगह पर कंपनी ने ब्लैक हार्पिक भी शुरू किया है, तो वो ब्लैक हार्पिक क्या है।
अच्छा दोस्तों, आप लोग जैसे बहुत से लोगों ने मुझे पूछा भी है कि सर इसमें और डिटेल क्या है और बताइए, तो आप जैसे अभी जो हमने फर्स्ट ट्रेनिंग की थी उसका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, तो अभी हमने सेकंड ट्रेनिंग अपनी टॉयलेट क्लीनर मैन्युफैक्चरिंग की वो भी रखी है, वो अब हमने रखी है इसमें अप्रैल के एंड में, तो आप लोग भी चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसमें हम पूरा कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जो इंग्रीडिएंट, देखिए मेन क्या होता है, मेन चीज होती है कि आपको ये समझ आए कि इंग्रेडिएंट्स का क्या रोल है, कम ज्यादा कैसे होगा, क्या कम कर सकते हैं, क्या ज्यादा कर सकते हैं, किस हिसाब से मिलाना है, कितनी देर मिलाना है, क्या है। अगर वो सब डिटेल्स आपको एक बार समझ आ जाएंगी तो आप आगे की अपनी कॉस्टिंग को भी कम ज्यादा कर सकते हो। बाकी और इसकी डिटेल्स आपको जाननी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, नंबर आपका आप अब हमारा आपके पास है ही और इसमें भी दिया गया है। अच्छा अब आगे चलते हैं कि जो ब्लैक हार्पिक है, ब्लैक हार्पिक में क्या है। ब्लैक हार्पिक में दोस्तों, अच्छा सबसे पहले एक ये चीज समझे आप कि जैसे बॉटल्स बनाई गई हैं या कोई कंपनी कोई भी काम करती है तो बिल्कुल सोच समझ के करती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया। जैसे वहां व्हाइट किया है क्योंकि वहां ब्लीच एक्शन को बोल रही है कंपनी और शाइनिंग को बोल रही है, इसलिए व्हाइट बॉटल करी है। अब यहां ब्लैक है तो ये ब्लैक भी किसी एक चीज को इंडिकेट कर रहा है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम हैं जो ब्लू हार्पिक में हैं। इसके अंदर भी HCl है, इसके अंदर भी एसिड थिकनर है, इसके अंदर भी सीटेक है, इसके अंदर भी मिथाइल सैलिसेट, BHT या कोई परफ्यूम भी हो सकती है, अगर किसी और रेंज में अलग से कोई परफ्यूम फ्रेग्रेंस वाला है तो फिर ये ब्लैक क्यों है? क्योंकि इसको कंपनी ने इसके अंदर HCl जो है और बढ़ा दिया है। इसके जैसे ब्लू वाले में 10.5% है, इसके अंदर 13% तक है, तो इसकी पावर क्योंकि ज्यादा हो गई है, एसिड ज्यादा हो गया है, तो इसलिए इसको एक ब्लैक बॉटल का में पैकिंग की है दिखाने के लिए कि हाँ ये और भी स्ट्रॉन्ग है, स्टेन रिमूवर है। इस तरह से जो कंपनी है वो इस तरह से पैकिंग करती है, ये नहीं कि कुछ भी कर दिया। इसके अंदर हर एक चीज का एक पर्पस कंपनी लेकर चलती है। तो आप लोग भी जो अपने काम कर रहे हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपको भी ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, कोई भी चीज करें तो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में लेकर चलें। कई बार जो बड़ी कंपनीज है उसी को फॉलो करने में फायदा रहता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसा भी होता है जहां आप अपना कोई इनोवेटिव आइडिया लगाएंगे, अपनी इनोवेशन करेंगे उसके अंदर, चाहे पैकिंग में करें, लेबलिंग में करें, तो आपको उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मार्केट में चलकर। आपकी अपनी एक ब्रांड अलग से बन जाता है, आपकी अपनी एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। अब ब्लैक हार्पिक को बनाना कैसे है, सेम उसी तरीके से जैसे ब्लू हार्पिक है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एसिड बढ़ गया है तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा एसिड थिकनर इंक्रीज करना पड़ेगा थिकनेस को मेंटेन करने के लिए। तो आप थोड़ा सा इसमें एसिड थिकनर बढ़ा दीजिए और थोड़ा इसमें HCl 13% के आसपास है ही, तो वो आपका एक अच्छा थिक फॉर्मुलेशन बन जाएगा। एक बात आती है कलर की कि कलर इसमें कौन से लगाएंगे। जो कलर इसमें दोस्तों कोई सा भी कलर चलेगा, वो ही चलेगा जो एसिड स्टेबल हो। जैसे अभी आप एक ब्लू कलर लगाते हो जो दानेदार होता है, ग्रेनुअल्स वाला जो होता है, जनरली लोग उसको इंक ब्लू बोलते हैं बाजार में, लेकिन जो हार्पिक कंपनी का ब्लू है वो जैसे वो ब्लू ये नहीं है, वो ब्लू दूसरा है, वो ब्लू एसिड ब्लू 80 है। उसके अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है कि इसकी जो एसिड ब्लू 80 है उसकी पीएच स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसकी उससे थोड़ी कम है। इसी तरह से जैसे अब बहुत से लोगों ने पूछा है रेड हार्पिक में क्या मिला सकते हैं। रेड हार्पिक में भी आप एक जो कलर आता है वो वही कलर मिला पाएंगे जो हाइपो में स्टेबल हो। उसके लिए कुछ कलर्स आते हैं जैसे लेक रेड आता है, वेट रेड आता है, मतलब ये स्पेशल कलर्स होते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी भी ऐसे एकदम से नहीं होती कि सीधे पानी में ये सॉल्युबल हो जाए, उनको सॉल्युबलाइज करने का भी एक अलग प्रोसेस होता है, तब वो जाकर कहीं इन चीजों में मिल पाते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। क्योंकि हाइपरक्लोराइट में क्लोरीन भी है, वो तो ब्लीच कर रहा है, ज्यादातर कलर्स को वैसे ही ब्लीच कर देगा, तो उसमें भी स्टेबल होना चाहिए। फिर हाईली अल्कलाइन है या हाईली एसिडिक है, HCl में हाईली एसिडिक है, तो इस तरह से इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर इसमें कलर मिलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्पेशल चीजें होती हैं उनका कलर वेरिएशन भी बहुत बाद में मार्केट्स में आता है, पहले एक ही कलर कई कई साल तक चलता रहता है, क्योंकि जो एक स्टेबल फॉर्मूला बन गया उसी के हिसाब से चलता रहता है। तो ये थी दोस्तों आज की बात कि आज हम
व्हाइट हार्पिक और ब्लैक हार्पिक में क्या डिफरेंस है और ब्लू के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो आगे भी इस तरह की और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।